हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइन स्टडी में और आज का जो वीडियो है सबको सालों सालों से इंतज़ार रहता है सपना रहता है और आज वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है यहाँ पे बिहार ने बिहार सरकार ने बीपीएससी पी ने जारी कर दिया है बाईस सौ सीटों के लिए दारोगा की वैकेंसी और आगे वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डिटेल में बात करेंगे क्या क्या है यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं पूरी जानकारी के साथ हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों चैनल में जो अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको एवरी डे जो भी अपडेट आती है गवर्नमेंट अपडेट जो भी आती है उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है सब इंस्पेक्टर एसआई दारोगा की वैकेंसी के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है जो दो सालों से इसी वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं जो एक सालों से इसी वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं यही फॉर्म भरने के लिए वेट कर रहे हैं इसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे उन लोगों के लिए इंतजार ख़त्म होने वाला है आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं चौदह अगस्त है और ये वैकेंसी की फॉर्म अप्लाई डेट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है सोलह अगस्त को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सोलह अगस्त दो अगस्त दो से और अंतिम तिथि जो होगी अंतिम तिथि होगी यहाँ पे चौबीस नौ यानी कि सेप्टेंबर में चौबीस सेप्टेम्बर तक तो आप लोग ये डेट पूरी तरह से मेंशन कीजिए और वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को कुछ भी डाउट ना बचे और आप लोग बाद में कमेंट करो कि हाँ फुल फिल हम लोग प्रिपेयर हैं और हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और कर चुके हैं और फॉर्म को निकाल के रहेंगे और दो ठो सितारा इस बार ज़रूर लगवाएंगे क्योंकि मेहनत तो भाई बनता है दारोगा बाबू के लिए तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल सिक्स पे मिलने वाला है सैलरी और आप लोग देख सकते हैं पैंतीस हजार चार सौ से एक लाख चौबीस हजार वाली एक लाख बारह हजार चार सौ वाली पे है और सर्जेंट के लिए यहाँ पे है पैंतीस हजार चार सौ से लेकर सेम लेवल की है यहाँ पे सैलरी और पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर में यहाँ पे है उन्नीस पोस्ट मेल फीमेल दोनों के लिए है आगे हम लोग बात करेंगे क्या फिजिकल होगी उसके बारे में बात करेंगे बहुत लोगों का डाउट वही होता है और यहाँ पर सर्जेंट के लिए है 215 पोस्ट तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या जानकारी है पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं एक ही वाइज यहाँ पर लिखित परीक्षा आप लोग देख सकते हैं होगी और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी पी और मेन्स में तो पी में जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें होगी दो अंकों का पहला जो पेपर होगा आपका होगा और शो क्वेश्चन होगा उसमें और आपको टाइम दिया जाएगा दो घंटे का ठीक है और इसमें जो है आपको जो है कम से कम थर्टी परसेंट जो अंक लाने हैं मुख्य परीक्षा के लिए अगर यदि नहीं ला पाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा पहले से ही ठीक है और सबसे बड़ी बात पोस्ट कितना है यहाँ पे दोस्तों बाईस सौ तेरह पोस्ट और जो मेंस एग्जाम के लिए आपको लिया जाएगा कितने लोगों को लिया जाएगा बीस गुना मल्टीप्लाई कीजिए बीस गुना लगभग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बाईस दूनी चौवालीस यानी की चौवालीस हजार लोगों को लिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है जो दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तीन साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी वैकेंसी के लिए तो अभी चलिए नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं मुख्य परीक्षा में यहाँ पे होने वाला है एक होगा दो सौ अंकों का सौ परसेंट रहेंगे और एक होने वाला है जीके जीएस का उसमें भी जो कि है 200 सौ प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे और 100 क्वेश्चन होगा और टाइम जो है दो दो घंटे इसमें भी दिए जाएंगे यानी कि पीटी में एक पेपर और मेंस में दो ठो पेपर तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है जीरो पॉइंट टू अंक काटा जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए और आप देख सकते हो फिजिकल के लिए तो फिजिकल के लिए यहाँ पर छः गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका छः गुना स्टूडेंट को भी क्लियर कि लिया जाएगा फ़िजिकल के लिए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट में लिया जाने वाला है वही फ़िज़िकल के भी बातें आगे करेंगे और आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये चीज़ें लागू होती नहीं है एग्ज़ाम के बाद कटअप बहुत हाई जाता है लेकिन यहाँ पे दिया गया है तो ये अपडेट जानना जरूरी है कि कितना कम लाने पर अगर यदि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है एग्ज़ाम और बहुत लोगों का मार्क्स इतना ही आता है तो ये क्राइटेरिया रहेगा फीमेल कैंडिडेट के, के लिए बत्तीस परसेंट और चौंतीस परसेंट रहेगा ओबीसी के लिए और यहाँ पे जनरल के लिए रहेगा चालीस परसेंट ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या होगा और जो है एज लिमिट क्या होगा एज लिमिट यहाँ पर देखिए आपका होगा जनरल कैटेगरी के लिए बीस वर्ष से न्यूनतम बीस वर्ष से सैंतीस वर्ष तक के लिए होगा जनरल कैटेगरी के, के लिए और ओ के लिए होगा बीस से चालीस वर्ष के लिए और अधिक यहाँ पे देखते हैं एस और महिलाओं के लिए और अनरक्षित कोटि यहाँ पे है सबके लिए होगा बीस से चालीस वर्ष के लिए और एस सी के लिए होगा पुरुष और फीमेल दोनों मेल और फीमेल के लिए बीस से बयालीस वर्ष तो ये एज लिमिट हो गया और आपका एज जो काउंट होगा एक एक दो के अकॉर्डिंग काउंट होगा उसके पहले से आपका एज जो है जो क्राइटेरिया दिया गया है सैंतीस चालीस और बयालीस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो फिज़िकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल यहाँ पे जो है हाइट जो है डिग्री वालों के लिए होगा और ओ के लिए होगा मेल कैंडिडेट के लिए एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर और यहाँ पे ई डब्लू ई बी सी और एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए होगा 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होगा हाइट और यहाँ पे सीना जो है चेस्ट जो है फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं किया जाएगा बस मेल कैंडिडेट के लिए किया जाएगा तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं जो कि सभी वैकेंसीज में होता है इक्यासी सेंटीमीटर मिनिमम और एक्सपेंड करने के बाद आपका एट्टी सेंटीमीटर पाँच सेंटीमीटर एक्सपेंड करने के बाद और एस सी के लिए है उन्यासी सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने के बाद चौरासी सेंटीमीटर यानी कि पाँच सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना ही पड़ेगा एक्सपेंड करना ही पड़ेगा जब फिजिकल लिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट आप का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि यहाँ पे क्या चेंजेज किया गया है मेल कैंडिडेट के लिए खास करके स्पेशली जो कि रनिंग में किया गया है पहले छः मिनट दिया जाता था सोलह सौ सो मीटर दौड़ने के लिए और इस परीक्षा इस वैकेंसी में यहाँ पे दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को छः मिनट तीस सेकेंड तो ये चेंजेज हुआ है इस बार की दारोगा वैकेंसी में और महिलाओं के लिए छः मिनट में दिया जाएगा एक किलोमीटर दौड़ने के लिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक के बारे में जो कि लास्ट फिजिकल मेजरमेंट होगा पुरुषों के लिए चार फीट और महिलाओं के लिए तीन फीट होगा ऊंची कूद और लंबी कूद में बारह फीट होगा पुरुषों के लिए और, और महिलाओं के लिए नौ फीट होगा और गोला फेंक में पुरुषों के लिए सोलह पाउंड का जो गोला होगा और न्यूनतम जो होगा सोलह फीट आपको फेंकना ही होगा एटलीस्ट इतना दूर फेंकना ही होगा और महिलाओं के लिए न्यूनतम दस फीट फेंकना ही होगा तो ये था फिजिकल हाइट से लेके कर यहाँ पर टोटली रनिंग तक के लिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल की महिलाओं के लिए क्षति रूप से आरक्षित जो 35 परसेंट का जो बिहार गवर्नमेंट का जो रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छः सौ तिरासी सीटें जो है महिलाओं के लिए सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आरक्षित पहले से आप लोग देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पे नेक्स्ट हो गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देता है बैचलर डिग्री और बैचलर डिग्री आप कहीं से भी किए हैं इंडिया भर में कोई भी स्टेट से हैं आप फॉर्म भर सकते हैं अगर यदि दूसरे स्टेट से हैं तो जनरल से फॉर्म भर सकते हैं और अगर यदि बिहार के हैं तो आप लोग जो कैटेगरी के, के हैं जिस कैटेगरी से हैं उससे आप फॉर्म भर सकते हैं ठीक है और एज लिमिट में छूट का रिलेक्सेसन का बात करें तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन एस ओ बी सी के लिए थ्री ईयर और एस सी एस टी के लिए फाइव ईयर होता है सबको पता है पहले से ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यही रूल लागू होता है नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अभी तो सारी चीज़ें छूट की हो गई फिजिकल हो गया एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो गया और हो गया यहाँ पे डायरेक्ट आवेदक देख सकते हो आप लोग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं तो इस चैनल से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं जीके के जी की ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एवरीडे क्लास लगेगी आप लोग जरूर यहाँ पे आइएगा और प्रिपरेशन कीजिएगा और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कुछ भी डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एवरीडे जो भी वैकेंसीज की अपडेट आती है आपको मिलती जाएगी और हमेशा मिलती है थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ जो कि क्या होगा इस बिहार दारोगा बहाली के लिए सिलेबस टोटली फुल सिलेबस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में